हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे व्लॉग में। तो आज हमें वापस घर भी जाना है। तो भाभी ने यहाँ मेरे दो ब्लाउज सी के दिए थे, जो कि मुझे थोड़ा लूज़ हुआ था, तो फिर से वो सिले मारने के लिए अपने मशीन पे बैठ गई है। और भाभी ने जल्दी 4 बजे उठ के ब्लाउज सी दिए, बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि भाभी को टेलरिंग वगैरह का आता है, तो भाभी ने बोला मैं सी दूँगी, वहाँ जाके आप कहाँ सी लोगे। हम निकल चुके हैं जाने के लिए। तो यहाँ बस स्टैंड आते ही हमारी बस रेडी थी और हमने बस पकड़ ली, क्योंकि कितनी जल्दी पकड़ेंगे उतनी जल्दी ही हमें जल्दी ही पहुँच जाएंगे। तो हमारी बस निकल पड़ी है। और बच्चों को बहुत बुरा लग रहा है आते वक्त, क्योंकि गांव जाना इनको बहुत अच्छा लगता है, और वहां से आते वक्त इनको भी रोना आ जाता है और उनके साथ साथ हमें भी रोना आ जाता है। मायके गए कि किसी को भी आना नहीं मालूम होता है, और हम बहुत दिनों के बाद जाते हैं इसलिए ज़्यादा दिन वहां रहना मालूम होता है। मगर इस बार गए जब हमें रहना नहीं हुआ, स्कूल थी ना, बच्चों के अभी एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, इसलिए हम जल्दी से वापस आ गए। इतनी अच्छा नज़ारा है, देखिए। और मेरे ब्लॉक में आप बने रहे, आपने अभी तक कहीं और किसी ब्लॉक में भी नहीं देखा होगा ऐसा मैं कुछ इस ब्लॉक में दिखाने जा रही हूँ। और ये क्या है ये जानने के लिए आप ब्लॉक में बने रहिए, मैं आपको बहुत जल्द उनसे मिलवा दूँगी। यहाँ रोड बहुत सूनी सूनी है, क्योंकि धूप ज़्यादा बढ़ रही है और गांव में तो ज़्यादा ही होती है, इसलिए रास्ते पर ज़्यादा रश नहीं है। फिर भी लोग अपने खेतों में अभी भी काम कर रहे हैं। और गाइस, ये यादें बहुत हमें अच्छा लगता है, इन यादों को देखिए। ये हमारा मायका और ससुराल आने जाने का रास्ता है। तो जब भी मैं यहाँ गांव जाती हूँ तो खुशी खुशी जाती हूँ, मगर आते वक्त ये रास्तों को देख के रोना आता है, क्योंकि पता नहीं फिर अभी कितने सालों के बाद यहाँ पर आना होगा और इनसे मिलना होगा। तो आइए, ले चलती हूँ मैं इन यादों को अपने घर। इनको मैं लेके चली हूँ अपने संग अपनी डगरिया, हाय रे अनजान शहर में इनसे अनजान नजरिया। अगर आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए गाइस, ना लगी है फिर भी लाइक कीजिए। और देखिए, मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही थी आ गए है वो जगह, यहाँ ही मैं आपको किसी से मिलवा रही हूँ, जो कि आपने कभी भी उनसे नहीं मिला होगा। तो उनसे मिलने के लिए बने रहे ब्लॉक में, मिलते जाएंगे। यही है वो जगह जहाँ से मैं आपको दर्शन करवाने की सोच रही हूँ। तो ये है बासर का टेंपल, जो कि माँ सरस्वती का अवतार है। कहे जाते हैं कि हमारे भारत में सिर्फ दो ही जगह माँ सरस्वती का निवास है, एक है तेलंगाना के बासर में तो एक है गुजरात में। तो ये बासर गांव है, ये अंदर वो जो भी है वो बासर का टेंपल का मैंने यहाँ दिखाया है आपको। और जिस किसी ने भी इन बासर के दर्शन नहीं लिए होंगे वो लाइव में यहाँ दर्शन ले सकते हैं। और ये मंदिर के बाहर देखिए ऐसे दुकान लगे हुए हैं, जो कि हर मंदिर में गए जब भी हमें ऐसे दुकान देखने को मिलते हैं। देखिए ये मंदिर का आ गया है, यहाँ से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते ही हमें माता के दर्शन हो जाते हैं। देखिए ये है सीढ़ियाँ, इसके ऊपर चढ़ते ही माता के दर्शन हमें मिल जाते हैं। और जून महीने में तो बहुत सारी भीड़ होती है यहाँ, बच्चों को अक्षर अभ्यास करवाने के लिए बहुत सारे भक्त आते हैं। और अभी गर्मी के दिन की छुट्टियाँ होने के बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ आके माँ के दर्शन लेकर जाते हैं। और मैं ये जब भी यहाँ के दर्शन लेती हूँ तो मुझे भी मेरे स्कूल की याद आती है, क्योंकि हमें स्कूल में से टूर के लिए बासर को ही लाया गया था। तो जब हम सब हमारे फ्रेंड्स के साथ आए हैं तो मुझे यहाँ देखते ही, इस मंदिर को, इस जगह को देखते ही हमारे स्कूल के फ्रेंड्स टीचरों की बहुत याद आती है, मुझे बिना रोए ही रोना आ जाता है। तो मैं यहाँ आके ही रोना स्टार्ट कर देती हूँ।
बासर एक छोटा सा ही विलेज है, मगर अभी ये बहुत डेवलप हो रहा है। भक्त लोग बहुत आ रहे हैं, इसलिए यहाँ बहुत डेवलप हो गया है। और यहाँ गंगा माता का भी निवास है, इसलिए यहाँ हमेशा हरा भरा ही रहता है। यहाँ के खेतों में हमेशा हरियाली ही हरियाली रहती है। तो मैं अभी लाइव में ही आपको गंगा माता के भी दर्शन करवाऊंगी, तो उस दर्शन के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए। मैं लाइव में आपको गंगा के दर्शन करवाऊंगी। ये हरियाली कितनी सुंदर दिख रही है, जैसे कि हमें फिल्मों में ही देखने को मिलता है, मगर ये रियल की हरियाली है। ये पूरे गंगा माता के आजू बाजू के खेत है, जो कि बहुत सारे हरे भरे हैं। यहाँ चावल भी लगाए से देखिए, यहाँ से गंगा माता के दर्शन स्टार्ट होते हैं। अगर आपने अभी तक जिन्होंने भी माँ गंगा के दर्शन नहीं लिए हो, तो प्लीज़ दर्शन ले लीजिए और माँ से प्रार्थना करिए कि हमारे बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि दे, अच्छी बुद्धि दे, पढ़ने लिखने में होशियार करे। ये लाइव में दर्शन आपको किसी को भी वीडियो में नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ मैं लाइव दर्शन करवा रही हूँ। तो माँ गंगा के आप सब जन जो भी मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो, यहाँ से लाइव दर्शन माँ गंगा के ले सकते हैं। विंडो लगा देते हो पर इसमें स्नैक्स खा रहे बच्चे। अभी हम कामा रोटी तक पहुँचे हैं, अभी और 4 घंटे हमें जर्नी करने का है, इसलिए बच्चे अभी स्नैक्स खा रहे हैं। हम मिलेंगे आपको हैदराबाद पहुँचते ही। फाइनली हम पहुँच ही गए, हम बस उतरे, अभी ऑटो पकड़ के घर जा रहे हैं। बहुत थके थके लग रहे हैं बच्चे भी और मैं भी। घर देखिए गाइस, मैंने गांव से क्या क्या लाया है। लाई हूँ कैरी, जो कि हमारे खेत में पेड़ को लगे हैं, आम के पेड़ को लगे से हमारी घर की कैरी कितनी अच्छी है। मैंने ये अचार डालने के लिए लाई हूँ, जो कि थोड़े हैं। और ये हमारे मेरे भाभी के मम्मी ने ला के दिए हैं मुझे, उन्होंने खेत में फिर लगाए थे। तो अभी हो गया इसका स्टॉक, जो भी बचे थे ऐसे अच्छे खाने के है, इसलिए भाभी की मम्मी ने हमारे लिए खास करके हमारे लिए ये भुट्टे मंगवाए हैं अपने खेत से। और ये जो भिंडी है, ये भी हमारी मेरी भाभी की मम्मी ने ही हमें ला के दी है, उनके खेत की फ्रेश भिंडी है। गाइस देख सकते हो आप कितनी अच्छी भिंडी है, मैंने यहाँ थोड़ी सी ही निकाली है। और ये देखिए बैग में मेरा पूरा बैग भरा हुआ है भिंडी, टमाटर और बैंगन। देखिए गाइस कितने अच्छे हैं, ऐसे बैंगन की हम सब्जी बनाए तो बहुत अच्छी और टेस्टी लगेगी गाइस। ये सब सब्जियां और ये भुट्टा वगैरह
मेरे भाभी के मम्मी ने हमारे लिए खास अपने खेत से फ्रेश तोड़ के लाए हैं, जो कि हमारे लिए है। ये मैंने सब बैग भर के पूरे सब्जियां लाई हूँ गाइस, अभी ये मैं निकाल के आपको नहीं बताऊँगी, मगर देखिए, देख सकते हो आप, ये फ्रेश सब्जी है गाइस। ये देखिए बैंगन कितने अच्छे है। हमें अभी अभी हम गांव से आ चुके हैं, सुबह 9:30 बजे बस बैठे, तो हमें घर को आने में 6 बजे है, इसलिए बहुत थक गए हैं। अभी कुछ ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं है। मैं आपको सिर्फ गुड नाइट बोलने के लिए, जितने भी दिन मैं गांव गई वो पूरे ब्लॉग मुझे एडिट करने के, एक एक करके मैं डेली एडिट करूँगी, क्योंकि वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं कुछ भी एडिट कर नहीं सकी। वो पूरे ब्लॉग में एक एक करके आपको एडिट करके अपलोड करूँगी। मेरे ब्लॉग अच्छे हैं, विलेज ब्लॉग है गाइस, विलेज के पूरे ब्लॉग्स विलेज के है गाइस, आप इसे देखिए, बहुत अच्छे ब्लॉग है। आई होप आपको मेरे सब ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। मैं मिलूँगी आपको किसी और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।